नाहन विधानसभा क्षेत्र की सैनवाला बर्मा पापड़ी सड़क निर्माण को लेकर लोगों ने लोक निर्माण विभाग व संबंधित ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सही से कार्य नहीं किया जा रहा है। सड़क निर्माण में बरसाती पानी की निकासी का कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया है, जिसकी वजह से पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सैनवाला बर्मा पापड़ी के अपग्रेडेशन कार्य पर करीब 6 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में विभाग की अनदेखी और ठेकेदार की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कार्य धीमी गति से चल रहा है। सड़क निर्माण में बरसाती पानी की निकासी का भी कोई प्रबंध नहीं किया गया है, जिसकी वजह से बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। लोगों ने सड़कों पर उतरकर सैनवाला बर्मा पापड़ी सड़क निर्माण को लेकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप है कि सड़क निर्माण को लेकर विभाग व संबंधित ठेकेदार गंभीर नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग को ये कार्य बरसात से पहले पूरा करना चाहिए था। बदहाल इस सड़क पर पैदल तो दूर वाहनों को लेकर भी आना जाना मुश्किल हो जाता है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते विभाग ने सड़क निर्माण कार्य को लेकर कार्रवाई नहीं की तो ग्रामीण जिला मुख्यालय नाहन में विभाग के उच्च अधिकारियों का घेराव करेंगे। तो मालूम है कि ये मुख्य मार्ग है और इसका काम 3-4 महीने पहले स्टार्ट किया गया था। अब कारण पता नहीं क्या रहा होगा कि इस रोड को की गहराई को बहुत ज़्यादा किया गया है गहराई पर, लेकिन इसका इस समय जो है बरसात में बहुत बुरा हाल है और प्रशासन सुन नहीं रहा है। किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी तो ये ग्रामीणों का छोटा सा धरना प्रदर्शन है। अगर ये कार्य जल्दी नहीं किया गया तो हम नाहन में मुख्यालय में जाकर PWD विभाग के खिलाफ वहां पे धरना प्रदर्शन करेंगे। वैसे ही इस रोड पे भी सरकार एक्शन ले और ग्रामीणों की मांग को सुने। यहां पे लोग बहुत परेशान हैं और ये मेन मार्ग है कोलना वाला बुट्टू सैन वाला। इसलिए मैं प्रशासन से और PWD विभाग से और जयराम सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लिया जाए और उस पर जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई हो। सारी इंडिया में रोड जी और हमारे यहाँ इन्होंने 4 फुट खोद का नदी में भाग दिया तो एक सारे घर हम हमारे तो पानी बढ़ रहा है। सारी जनता ने देख लिया, सबने देख लिया। जब भी बारिश पड़ा रोड मरे सारा पानी नान से कोलाड़ा फूड की तरफ को जो सड़क जा रही है इस पे मेन रोड है और इस रोड पे 2 महीने से पहले यहाँ पे काम शुरू हुआ था कि आपको पक्की सड़क देंगे और सड़क का पानी उधर से उतार के पुल पे छोड़ेंगे। लेकिन देखो क्या रहा है, सीधी सड़क की तराई उधर को होनी चाहिए थी, इधर को हो रही है। अब बारिश होती है तो सीधा पानी उधर को जाता है, इधर को नहीं जाता है। और दूसरा काम ये कि इनको ये काम जल्दी करना चाहिए था और अब ये हर रोज़ इसमें डिले कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और जब बारिश होती है तब यहाँ पे यहाँ से रास्ता इतना बंद हो जाता है कि यहाँ पे चला भी नहीं जाता। पैदल चलने वालों का तो बुरा, बहुत बुरा हाल है। जो 2-व्हीलर हैं वह भी यहाँ पे फिसल गिरते हैं। हर रोज़ 2 से 3 लोग यहाँ पे गड्ढों में गिरते हैं और गाड़ियाँ कई बार फंस भी जाती हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता लोगों द्वारा किए जा रहे इस प्रदर्शन को बेईमानी बता रहे हैं। उनका कहना है कि बरसात के चलते सड़क का काम रुका हुआ है। काम बरसात से पहले क्यों पूरा नहीं हुआ, इस बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मगर बरसात के कारण जो समस्या लोगों को पैदा हुई है, साहब उससे बेखबर है। ये सड़क सैनवाला से स्टार्ट होके बर्मा पापड़ी तक बनेगी, लगभग 6 करोड़ की इस पर लागत आएगी। अभी हम इनिशियली इसमें जिस पोर्शन की आप मेरे से बात कर रहे हैं वहाँ पर क्या है कि जो इनिशियल DPR बनी थी उसमें वहाँ पर कोई स्कोप नहीं था उसको इम्प्रूवमेंट करने का, सिवाय उसकी BM और BC के। लोगों की डिमांड पर उसका ग्रेड को रिवर्स किया गया। पहले वहाँ सारा पानी बर्मा पब्लिक स्कूल की तरफ जाता था और वहाँ जाके लोगों को नुकसान करता था, स्कूल में भी घुसता था, लोगों के घरों में भी घुसता था। कुछ लोगों ने उसके लिए डिमांड की कि इस पानी के ग्रेड को रिवर्स किया जाए ताकि पानी उधर दूसरे खड्डे में डाला जा सके ला करके। उसके लिए हमें उसकी कटिंग करनी पड़ी, बेड कटिंग करनी पड़ी लगभग 250 मीटर की लेंथ में। जब उसकी हमने पूरी की पूरी लेंथ में उस कटिंग करके नीचे बिठा दिया उसको, तो उसमें अभी सिर्फ GSB वहाँ पर डाली गई है। GSB कंसोलिडेट हो रही है। आजकल बारिश का मौसम लगा हुआ है, बारिश में कोई काम ऐसा नहीं किया जा सकता। जगह जगह गड्ढे वहाँ पड़ जाते हैं, बार बार हम कॉन्ट्रैक्टर को बोल के उसकी दोबारा फिलिंग कराते हैं और टाइम टू टाइम उसमें दोबारा फिर ड्रेसअप करते हैं, लेकिन बारिश ज़्यादा होने के कारण फिर उसमें डिप्रेशन आ जाते हैं। तो हमारा कार्य अभी प्रोग्रेस पर है, अभी काम हुआ तो है नहीं। वो तो अभी तो धरना देना और कुछ और करना, प्रदर्शन करना बेमानी है। जैसे काम पूरा होगा सबकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।
कुल मिलाकर यहां पर लोक निर्माण विभाग की लापरवाही स्थानीय लोगों पर भारी पड़ रही है। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।